الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے جوانوں بزرگوں اور دینی بھائیوں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا وہ چاہے تو اپنے آپ کو خیر کے بھلائی کے نیکی کے کام میں بھی لگا سکتا ہے اور اپنی مرضی سے اگر وہ چاہتا ہے تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے یہی انسان اگر خیر کے اور بھلائی کے کام کرنے والا بن جاتا ہے تو وقت کا بڑے سے بڑا قطب اور ابدال بن جاتا ہے وقت کا بڑے سے بڑا ولی بن جاتا ہے اور اگر یہی انسان شر پر اتر جائے نافرمانی پر اتر جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے گھنونے نافرمانیوں کے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے بس اگر اسے صحیح رہنمائی ملی صحیح صحبت ملی تو آدمی راہ راست پر نیکیوں کے کام پر چلنے والا بن جاتا ہے
हीरे को आपने देखा होगा कि जब ये कच्चा निकलता है, लेकिन सही और माहिर कारीगर के हाथ में पहुंचने के बाद उसकी चमक निखर जाती है। और अगर कोई नया आदमी हो, नया नया सीखने वाला हो और इस लाइन का माहिर नहीं, इसे आप कीमती हीरा दे देंगे तो जाहिर है कि उसमें चमक तो क्या आएगी, बल्कि उस हीरे की पहचान खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आदमी के, इंसान के दोस्त अच्छे हैं, उसकी उठ बैठ सही लोगों के साथ होगी, जिनके अकाइद सही है, जिनके अंदर दीनदारी का जज्बा है, जिनके अंदर लोगों की खैरखाही का जज्बा है, वो आदमी फिर भलाई के और नेकियों के काम करता जाता है। और जिसे सोहबत गलत मिली, जिसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ, गलत दोस्तों के साथ, तो फिर वो दीनदार घराने में पैदा होने के बावजूद उस गलत सोहबत की वजह से वो रास्ते से भटक जाता है। और जहां इंसानों की आबादी हो, वो सोसाइटी की शक्ल में हो, वो देहात की शक्ल में हो, वो शहर की शक्ल में हो, जहां उनका आपसी रहन सहन होता है, उनके आपसी कारोबार, तिजारत, बिजनेस होते हैं, तो जाहिर है कि उनके दरमियान कुछ न कुछ ऊंच नीच, कुछ न कुछ दरारें, कुछ न कुछ बातें जरूर पैदा होने वाली है। और हर आदमी का दिमाग और दिमाग का टेम्परेचर सही नहीं होता। कोई आदमी नरम मिजाज का है, कोई आदमी दरमियानी मिजाज का है, कोई आदमी जिसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, जल्दी से गुस्से होता है। ये मुआशरे में ऐसे मुख्तलिफ लोगों के आपस में मिलने से फिर मुआशरे में लड़ाई झगड़े जन्म लेते हैं, आपसी इख्तिलाफात होते हैं, आपस में फूट पड़ती हैं, लोगों में पार्टियां बनती है, जमातें बन जाती है, नौबत यहां तक पहुंचती है कि फिर एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद बनती है। एक जगह मस्जिद थी, कुछ लोगों के अंदर इख्तिलाफ हुआ और उन लोगों ने दूसरी मस्जिद बना दी, उनके दरमियान इख्तिलाफ तीसरी बन गई। ये हमारे आपसी मुसालाहत न होने की वजह से ये दरारें पैदा होती है। हमारी आपसी समझबूझ कमजोर है, दरमियान में गलत फहमी आती है, दरमियान में लोग जो हैं जले पर तेल डालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी बनी बनाई सोसाइटी और अच्छा खासा ये भाईचारा, हमारा ये मुस्लिम मुआशरा जो जुड़ा हुआ है, उनके दरमियान चंद लोगों की आग में तेल डालने की वजह से आपस में इख्तलाफ हो गया। साल हा साल से जो सोसाइटी से जुड़े थे, हमारी मस्जिदों से जुड़े थे, उन तीन चार मुनाफिकीन की वजह से, उन दकियानों से दिमाग चलाने वालों की वजह से इतनी बड़ी सोसाइटी के आपस के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक था उसमें फूट पड़ गई। ये कोई मैं नहीं कहता और न मुझे किसी ने बताया, लेकिन जो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी उसी के जिम्न में, उसी के हवाले से ये चंद बातें पेश कर रहा हूं। देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, हमारे जो चार इमाम है उसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि झगड़े दो किस्म के होते हैं, एक झगड़े जिस्मानी होते हैं और उसमें हाथापाई होती है। आपने देखा रोजाना किसी न किसी गली में से लड़ाई झगड़े की आवाज होना है, जाहिर है, मुख्तलिफ इलाके से लोग आकर यहाँ बसे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर सूबे से, हर स्टेट से लोग यहाँ आकर बसे,
रोजाना कहीं ना कहीं फूट है, कहीं गाली गलौज है, कहीं डंडे निकल रहे हैं। ये मुसलमान आपस में टकरा रहा है। हर मुसलमान अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो एक झंडे के नीचे आ गया, एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। और जो फिर इससे झगड़े पैदा करके अलग होता है तो समझ लीजिए कि वो अपने झंडे से दूर जा रहा है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो किस्म के झगड़े, एक जिस्मानी झगड़े जिसमें हाथापाई होती है, वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दे, उधर से वो कहता है मुझे छोड़ दे, अरे भाई दोनों को किसी ने पकड़ा नहीं है। और दूसरा झगड़ा है पढ़े लिखे लोगों का झगड़ा, उलमा का झगड़ा, जिसे मुजादला कहते हैं, जिसे मुबाहसा कहते हैं, जिसे मुनाजरा कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं एजुकेटेड, चाहे उनके पास दीन का इल्म हो, वो आलमी लेवल पर इनके पास अगर दीन का इल्म है तो वो आलिम दीन है, एजुकेशन का मास्टर माइंड है, पीएचडी किया है तो वो दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा है, उसके अंदर भी समझ बूझ है। तो फरमाते हैं कि ये जो पढ़े लिखे लोगों का झगड़ा है, ये दूसरी किस्म का झगड़ा। एक आलिम ने कोई बात बयान कर दी और दूसरा आलिम उसके मुखालफत में कोई नई बात बताता है। एक आलिम ने एक मसला बयान किया, दूसरा आलिम उसके रद्द करने की पूरी जोर लगा देता है, दूसरे एंगल से वो मसला बयान करता है। एक आलिम ने कोई चीज शरीयत के दायरे में हलाल बयान की, जायज बयान कर दी, और दूसरा आलिम ये चाहता है उसकी अदावत की वजह से, उससे हसद की वजह से वो चाहता है कि मैं इस मसले के अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन निकालो, और उनकी आपसी अनबन की वजह से, आपसी हसद की वजह से ये तफर्रका, ये फूट, ये आम लोगों के अंदर पैदा होती है। फिर इधर के पढ़े लोगों की जमात के साथ कुछ लोग मिल गए और इधर के लोगों के साथ कुछ लोग मिल गए। ये पढ़े लोगों के दरमियान से जब इख्तलाफ पैदा होता है तो ये इख्तलाफ बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसलिए जब उलमा के दरमियान किसी मसले में कोई बात काबिले शिकवा हो, कोई एतराज हो, तो आपस में बैठ कर उसको सुलह किया जाए, उसे मुजाकरा कहते हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में उसे हल किया जाए, ये शरीयत का मंशा है और ये सही तरीका है। लेकिन हम उसको अवाम में उछालते हैं उसकी चीज, भाई फला आदमी आकर बयान कर गया, दूसरा आलिम कहता है कि उसने ये गलत बयान दिया था। अगर हमारे दिल में उसकी इस्लाह का जज्बा है तो खुद जाकर उसे बताएंगे कि भाई आपकी ये बात समझ में नहीं आई, उसकी वजाहत कीजिए। लोगों के दरमियान जब ये बात आती है तो जाहिर है कि उसको नीचा दिखलाना मकसद है, उसकी इस्लाह मकसद नहीं होती, इसकी वजह से बात फिर बिगड़ने लगती है। लोगों के जहनों में इंतशार पैदा होता है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा आलिम सही बात करता है, कौन सा आलिम जो है जो हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इसलिए उलमा को भी अपने वकार को सामने रखना चाहिए। और दूसरी एक बात कि हम किसी को क्या नीचा दिखा सकते हैं, हम किसी को क्या ऊपर बिठा सकते हैं, ये तो अल्लाह ने कुरान में जाब्ता बयान किया, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزتوں کے مینار پر بٹھاتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں تخت و تاج سے اتار کر ذلیل کر دیتا ہوں। सारी खैर मेरे हाथ में है और सब कुछ करने धरने वाली रात अल्लाह की। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह की जात कादिर है,
हम किसी को इज्जत भी नहीं दे सकते, हम किसी को जलील भी नहीं कर सकते। ये इज्जत का मिलना और जिल्लत का आना, ये तो सब अल्लाह की तरफ से है। तो बदला ये रहा था कुरान करीम की इस आयत में, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत। देखिए अहले इल्म की बात से हजरत की ये बात आ जाए, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कैसा इल्म दिया था, हिकमत वाला इल्म, अजीब व गरीब इल्म। और हजरत फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया के दानिश्वर, ऐसा नहीं कि सूरत के, ऐसा नहीं गुजरात के, हिंदुस्तान के, सारी दुनिया के दानिश्वर, मास्टरमाइंड, अकलमंद लोग जमा हो जाए और सब आकर मेरे सामने दीन के किसी भी छोटे से छोटे मसले पर मेरे सामने एतराज करे, इश्काल करे, मैं दो मिनट में उसे खामोश कर सकता हूँ। जैसा अल्लाह ने इल्म दिया होगा। और फरमाते हैं कि जब मैं दारुल उलूम देवबंद से नया नया फारिग हुआ, जब मुझे सनद फजीलत हासिल हुई, जब नया नया फारिग हुआ था तो जज्बा भी था, शौक भी था दीन के काम का, तो फिर मैंने मुनाजरे शुरू किए और फिरकाए बातिला रवाफिस के साथ, खवारिज के साथ, शियों के साथ, बरेलवियों के साथ, मुख्तलिफ बातिल फिरकों के साथ मैंने मुनाजरे किए और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता था। एक जमाने तक ये मुनाजरे का सिलसिला जारी रहा, फिर मैंने इस मुनाजरे से तौबा कर दी, इसलिए कि उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस काम की वजह से मेरा बातिन इल्म जो है उसके अंदर असर आ रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले इल्म का झगड़ा जो होता है उसकी वजह से इल्म का नूर खत्म हो जाता है। जब पढ़े लिखे लोग आपस में टकराव पैदा करते हैं तो इनके इल्म की नूरानियत खत्म हो जाती है। मुआशरे के अंदर ये लोग जो हैं काबिले दाद और काबिले दीद नहीं समझे जाते। इसलिए जहाँ उलमा का काम ये है, ये मिंबर जो है, ये स्टेज, ये कुर्सी ऐसी चीज है कि यहाँ से अवाम को और भोले भाले मुसलमानों को जोड़ने की बात की जाए, उनके अंदर तोड़ने की और तफरने की बात न की जाए। अल्लाह के नबी ने मिंबर और मेहराब से हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की, और आपने जज्बात में आकर किसी को कोई चीज नहीं कही, इंतकामी जज्बे की वजह से किसी को डांट डपट नहीं की। चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी ने आपको साहिर कहा, किसी ने आपको दीवाना कहा, अजीब अजीब अलकाब से हुजूर को नवाजा उस दौर में, लेकिन आपकी जबान खामोश। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई जुल्म ढाए, सहाबा इकराम पर जुल्म ढाए, और जान के दुश्मन, माल के दुश्मन, एड़ी चोटी का जोर लगाया हुजूर को और आपके मिशन को खत्म करने के लिए। और एक वक्त तो ये आया कि मुशरिकीन मक्का ने एक ऑफर किया कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। 100 ऊंट उस जमाने में, इस जमाने की 100 महंगी कारें समझ लीजिए, इतना बड़ा इनाम। और गज़वे उहद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदारे मुबारक शहीद हुए, खून बहने लगा, उसके बावजूद आपने बद्दुआ नहीं की उम्मत के लिए, बल्कि हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा दीन कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा इसलिए कि वो मुझे नहीं जानती, ना इल्म की वजह से और जहालत की वजह से वो ये काम कर रही है, इसे माफ फरमा दे। इतना बड़ा जज्बा कोई किसी का हो सकता है? कोई हमारी जान का दुश्मन हो, हम उसके लिए माफी का जज्बा पैदा करें? इसलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो इख्तिलाफ और ये झगड़े, ये नफरतें, ये दुश्मनियाँ, ये असल में हसद से पैदा होती है। और हसद, फरमाते हैं कि किसी के पास माल ज्यादा है तो हसद होता है,
किसी के पास मकान अच्छा है उससे हसद होता है, किसी की गाड़ी अच्छी है उससे हसद होता है, किसी के पास खूबसूरती है तो उससे हसद होता है। तो फरमाते हैं कि इब्तिदा में ये हसद होता है, दिल में एक तरह की कुड़न है, एक तरह की जलसी पैदा होती है कि इतना बड़ा कारोबार इसके पास कैसे लग गया, इतना बड़ा बंगला इसे कैसे मिल गया, ये बेहतरीन गाड़ियों में ये क्यों घूम रहा है। अरे भाई, हमने तो नहीं किया, जिस अल्लाह के खजाने से उसे मिला है तो भी उससे मांग ले। तो फरमाते हैं कि फिर हसद ये आगे बढ़कर दिलों के अंदर नफरतें डालती है, फिर दिलों के अंदर अदावतें दुश्मनियां पैदा होती है, नतीजा ये होता है कि फिर जबान आदमी लड़ाता है, फिर हाथ पैर चलाता है। पहले दो की लड़ाई थी, दो और मिल गए, चार हो गए, दो महल्ले हो गए, दो जमातें हो गई, दो पार्टियां आपस में झगड़े शुरू। और पहले ही मैंने बताया कि इस काम में सबसे बड़ा मुनाफिक और शैतानी चाल चलने वाला वो आदमी है जो दो मुसलमानों के दरमियान लगाई बुझाई करता है। आज हमारा मुआशरा जो है ऐसे लोगों से खाली नहीं, जहां अच्छे होते हैं वहां बुरे भी होते हैं, जहां गेहूं होते हैं साथ में कंकर भी चलते हैं। ऐसे लोगों से हमें चौकन्ना रहना है, और जिनके अंदर ऐसी आदत हो उसे अपनी आदत को सुधारना है। हम तो हर मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान करेंगे, ये मुसलमान है, ये हमारा भाई है, ये हमारा खैरखा है, हम किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करते। लेकिन अगर किसी जगह ऐसे लोग नजर आए तो अपने आप को भी उनसे बचाए, अपने माशरे को भी बचाए, अपने भाइयों को भी बचाए, अपने मस्जिदवार जमात को भी बचाए। वो लोग जो हैं अंदर में वो तेल डालने का काम करते हैं और इधर की बात उधर लगाते हैं। भाई फलां आदमी आपके बारे में ये कह रहा है, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे बारे में उसने ये कहा। अब वो जो अल्फाज बयान करेगा वो जाकर उसे कहेगा, अरे मैं तो उसके पास गया, खाली तेरा नाम लिया इसलिए वो भड़क गया और तेरे बारे में ये चीज बताता है। वो ये नहीं कहता है कि मैंने पहले अंदर में तेल डाला फिर उसने आग पकड़ी। वो जाकर उसे कहेगा कि उसने ऐसा कहा, फिर इसके अल्फाज उसे जाकर दोहराता है, साथ में वो जो है फेविकॉल से दो चार अल्फाज बढ़ाकर कहता है जॉइंट मारकर, फिर वो जो अल्फाज कहता है फिर इसके पास, यहां तक कि दोनों का आपस में झगड़ाने का काम करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबे मेराज में अल्लाह की तरफ से मगफिरत का आम ऐलान होता है। शबे मेराज में, अरे शबे बरात में आम ऐलान होता है बंदों की मगफिरत का, और मगफिरत इतनी आम होती है कि रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनी कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद से ज्यादा गुनहगारों की मगफिरत फरमा देते हैं, इतनी माफिया। लेकिन उस रात में भी आपस में झगड़ा करने वालों की मगफिरत नहीं होती, जिनके दिलों में आपस में कीना है, जो दिल आपस में टूटे हुए हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ है, ऐसी बड़ी रात में भी उन लोगों की मगफिरत नहीं होती। तो फिर हमारा अपने आप को मुसलमान कहने का क्या मतलब, ऐसी बड़ी बड़ी रातों में भी जब हमारी मगफिरत नहीं होती, हमारे दिल मुसलमान भाइयों के बारे में कीने से भरे हुए हैं। अरे आम मुसलमानों की बात जाने दीजिए, भाइयों भाइयों में लड़ाई, खानदान खानदान में लड़ाई, पड़ोसियों में आपस में झगड़े, बहनों में झगड़े, चचा भतीजे में झगड़े, आपस में न जाने कितने झगड़े। ये झगड़े कब खत्म होंगे? अच्छे मुसलमान की पहचान ये है कि वो जहां भी रहता है खुद भी सुकून से रहता है और अड़ोस पड़ोस वालों को भी सुकून से रखता है। अगर सोसाइटी में ऐसा सर फिरा आदमी आ गया, अगर उसने मकान किराए पर ले लिया तो पूरी सोसाइटी को सर पे उठा लेता है। लोग कहते हैं कि कितनी अच्छी हमारी सोसाइटी थी, कितना अच्छा यहाँ का रहन सहन था, कभी कोई शोर शराबा नहीं। जब से ये फलां आदमी यहाँ रहने के लिए आया है हमारे महल्ले का सुकून खत्म हो गया, रोजाना झगड़े शुरू है, कभी ये पड़ोसी से कभी वो पड़ोसी से।
भाई इंसान होने का सबूत दीजिए। ये जानवरों को देखा होगा, वो भी बिना वजह के आपस में नहीं झगड़ते। एक जानवर अगर यहाँ चलता है, दूसरा वहां, उसे कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, जब वो आमने सामने होते हैं तो कभी एक दूसरे को डराने के लिए सर उठा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा चौकन्ना नहीं रहते कि उसको मारना है मुझे दौड़कर, उसके साथ झगड़ा करना है। हमारा तो अपने पड़ोसियों के साथ रोजाना ये झगड़ा। अगर हवा तेज चली और मिट्टी उड़कर पड़ोसी के मकान में पहुंची तो आकर कहता है कि भाई तुमने हमारे यहाँ कचरा क्यों फेंका? अरे भाई मैं तो बाहर भी नहीं निकला, ये तो हवा की वजह से यहाँ गिरा है। क्योंकि रोजाना नहीं गिरा ना, आज कैसे गिर गया? अरे भाई रोजाना हवा नहीं चली तो नहीं गिरा, आज ये हवा चली तो तेरे यहाँ कचरा आ गया। हमारी सोच जो है बहुत छोटी हो गई। सब चीज में हमारे एतराज है, हमारे इश्काल है, और फिर कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुआशरे में मेरी इज्जत देखिए, किसी से पूछिए कि मैं कितना इज्जतदार घराने का आदमी हूँ। लेकिन अगर पूछने के लिए निकलेंगे तो भाई हाथ जोड़ेंगे, इसका नाम ही बदलो। तो अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान। सही मुसलमान कौन? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। सच्चा पक्का और कामिलुल ईमान मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान महफूज, उसकी जबान से भी दूसरे मुसलमान महफूज। ये सच्चे मुसलमान की पहचान हुज़ूर ने बताई कि हमारा हाथ भी किसी मुसलमान के ऊपर न उठे, दूसरे लोग हमारे हाथ से मांगो और हमारी जबान से भी मांगो। जबान से कोई बात ऐसी ना कहें कि सामने वाले की दिल शिकनी हो जाए, बल्कि हमारे तो अमान भी ऐसे हैं जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आज जुमा का दिन है, बाहर पार्किंग का मसला है, अगर किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी अपनी गाड़ी, आने जाने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, ये भी एक गुनाह है, कबीरा है, लेकिन हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। कोई कहता है भाई ये आने जाने का रास्ता है, गाड़ी साइड पे ले लो, क्या 15-20 मिनट ठहर नहीं सकते? अभी जुमा का वक्त है। ऊपर से जैसे जुनेद बगदादी जैसा इबादत गुजार हो तो कहता है कि 15-20 मिनट बस अब जुमा पढ़ के निकलता हूँ, फिर हटा लूंगा, उसमें क्या मसला है? नहीं, ये गुनाह है कबीरा करके तू अल्लाह के दरबार में जा रहा है, क्या मुंह लेकर जा रहा है? वहां लोगों को तकलीफ है, वहां लोगों को परेशानी है। मुसलमान का काम तो ये है कि तकलीफ और परेशानी से लोगों को बचाए। हदीसे पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के 360 जोड़ बनाए। ये हमारे जॉइंट है ना, ये बॉडी के अंदर 360, और रोजाना हर बॉडी के हर जोड़ की तरफ से सदका करना है हमें। तो ये सदके की सूरत अल्लाह ताला ने रखी है, किसी को अच्छी बात बताना सदका, किसी से खंदा पेशानी से मिलना सदका, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज है उसे हटाना सदका। मोमिन तो बार बार पर सदका कमाता है और अपनी बॉडी के जोड़ की तरफ से वो सदका अदा करता है, और हम हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचाने में लगे हैं, हमारे आमाल से तकलीफ। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर मस्जिद में हम आए चप्पल रखने की जो जगह है, अगर किसी आदमी ने वहां चप्पल रखी हुई है, जूते रखे हुए हैं, हमने आकर उसके जूते अपनी जगह से हटा दिए और साइड मार्कर अपने वहां रख दिए, उसके जूते उधर हो गए, अब वो आएगा अपनी जगह पर, उसे तलाश करेगा, उसे नहीं मिलेगा तो उसे तकलीफ होगी, मेरे जूते कहाँ है, वो परेशान होगा। फरमाते हैं कि दोनों अपने अमल से एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, ये भी गुनाह है कबीरा होगा। हम ये छोटी छोटी मामूली बात समझते हैं। हमें इस्लाम ने जो चीज बताई वो सादगी बताई, और लोगों से अपने आप को भी बचाओ। इस्लाम का मतलब ही ये है, असलिम तस्लम, के मुसलमान जो होता है खुद भी महफूज और दूसरों को भी महफूज। आज दुनिया का प्रोपेगंडा है, और ये जो है यहूद और नसारा की चाल है, लोग ये समझते हैं कि मुसलमान बस वो मार कटाई जानता है। मुसलमान जो है दूसरी कोई भाषा नहीं जानता, वो मार कटाई की भाषा जानता है। उसका जहन जो है जज्बाती होता है, वो हमेशा हाथापाई के लिए तैयार होता है।
अरे मेरे महबूब की सीरत पढ़कर देखिए, आपने जिंदगी में कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया सिवाय अल्लाह के हक के। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला ने, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे, 10 साल से ज्यादा खिदमत की, वो फरमाते हैं कि 10 साल के अंदर मैंने न जाने कितनी गलतियां की होगी। जाहिर है कि कोई आदमी हमारी दुकान पर 10 साल काम करे तो कितनी गलती होगी, रोजाना कोई ना कोई गलती। तो फरमाते कि 10 साल में न जाने कितनी गलती मुझसे हुई, लेकिन हुजूर ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। एक मरतबा किसी काम के लिए भेजा, बच्चे थे, रास्ते में कहीं खेल चल रहा था, वहां खड़े हो गए काफी देर तक। हुजूर परेशान हैं, वापस जाकर देखा तो वो तो वहां बच्चों के साथ खड़े हैं। अरे अनस, तुझे मैंने किस काम के लिए भेजा, तू यहाँ खड़ा है? हुजूर ने डांटा नहीं। अगर हम होते तो 2-4 उसे तमाचे रसीद करते कि काम सही ढंग से करता नहीं या खेल तमाशा देख रहा है। तो मेरे महबूब की सीरत पढ़िए, उससे दुनिया के सारे लोगों के इश्कार खत्म हो जाएंगे। सरकार की जिंदगी वो हमें लोगों के सामने लानी है, दुनिया के सामने पेश करनी है, तब जाकर लोग समझेंगे कि मुसलमान ये होता है। एक तो मुसलमान होता जो सहाबा इकराम जैसा कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया, फिर कौन पठान, कौन सुन्नी, कौन ये बोरा में, कौन को मियां भाई, कोई बस एक कलमा पढ़ने वाला। आज हमने जात पात में और नात में, समाज में हम लोग इतने दूर चले गए हैं कि एक मुसलमान को देखकर ये नहीं समझते कि ये मुसलमान है। अरे भाई, ये तो महाराष्ट्री है, ये तो यूपी वाला है, ये तो बंगाली है, ये बिहारी है। कुरान करीम कहता है कि नहीं, आपस में ये तफरका मत पैदा करो, ये पूरी अल्लाह की बिरादरी है। अल खल्क अयारुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का एक कुंबा है। जिसने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं। ये तो अपने हैं, गैरों से भी नफरत करने की हमें इजाजत नहीं है कि जो गैर मुस्लिम है उनसे भी आप नफरत मत कीजिए, उनके सामने अखलाक पेश कीजिए, उनके सामने अपना इस्लाम पेश कीजिए, उससे दीन दुनिया में फैलता है। ये नफरतें बहुत हो गई है, ये झगड़े बहुत हो गए हैं, अब जरा सुकून की जिंदगी, आपस में इत्तेहाद की जिंदगी, आपस में मोहब्बत की जिंदगी। 1 साल होने आया जिस हालात से हम लोग 2-4 हैं, हम जानते हैं मस्जिदें वीरान हो गई, कारोबार ठप हो गए थे, लोग परेशान थे, खाने खाने के लिए तरस रहे थे, आने जाने के लिए तरस रहे थे, फिर भी आज हम नहीं समझते। और इससे बड़े हालात का क्या फिर हमें इंतजार है कि हालात आए और हम सुधरेंगे? ये अल्लाह की तरफ से हमें एक अल्टीमेटम दिया गया है, अब भी वक्त है सुधर जाइए, अब भी हालात हैं, इसको देखकर आप सुधर जाइए, अब नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है कि इससे कठिन हालात आ सकते हैं। अल्लाह ताला उम्मत के अंदर समझ पैदा फरमाए, आपसी हिदायत अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इखवा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, मोमिन आपस में भाई भाई। انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم, अपने मुसलमान भाइयों में आपस में अनबन हो जाए, आपस में झगड़े हो जाए, आपस में मुसालहत कराओ, आपस में कॉम्प्रोमाइज करा दो, आपस में दोस्ती करा दो, मिला दो उनको आपस में। और उसमें भी फत्तकुल्लाह वअस्लिहु, फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, इस कॉम्प्रोमाइज में और सुलह कराने में भी अल्लाह का डर होना चाहिए। कोई दिखलावा ना हो, बस अल्लाह की रजा के लिए हमें ये काम करना है। जो हमारे दो मुसलमान भाई दूर हो गए, उनको आपस में जोड़ना है, उन्हें आपस में मिलाना है। अल्लाह का डर होगा, सब काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला उम्मत में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए, हमारे इलाके को बस्ती के लिए, शहर के लिए मरकजियत बना दे, यहाँ के हर मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला दूसरे मुसलमानों का दर्द और खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। हमारी आपसी उलझने, आपसी तनाजु, आपसी झगड़े अल्लाह ताला खत्म फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.